इंडियंस, इंडिया हम भी इंडियंस ही हैं। अगर आप बाहर किसी कंट्री में चले गए तो हमें वो इंडियन ही कहेंगे, वो पाकिस्तानी या ये नहीं कहेंगे कि इंडिया से हैं या पाकिस्तान से, वो दे विल कॉल यू इंडियन। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी जैसे कॉल सेंटर्स में हम लोग काम करते हैं पाकिस्तानी और इंडियन, तो वो एक्सेंट पहचान लेंगे हमारा, तो ये इंडियन ही हमें बुलाएंगे क्योंकि उनके लिए वो हम सेम है, पाकिस्तान भी और भारत। अपनी माइनॉरिटीज को राइट देते क्यों नहीं, कोई ऐसी एग्जांपल सेट करते कि यार वो हिंदू है, वो ईसाई है, या वो कोई भी कास्ट है, सिख है, पाकिस्तान के और बहुत बड़े लेवल पे है, कोई एक बताएं मुझे। कोई भी ऐसा अभी फिलहाल मौजूद तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या किसी मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर में पाकिस्तानी भी देखने को मिलेगा, कोई चांस है? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं मिल सकता, हमें पाकिस्तान में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल रहा, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमें कुछ दूसरे मुल्क में मिलेगा प्राइम मिनिस्टर। इसी पाकिस्तान में वही मैंने बताया कि अभी पाकिस्तान को बने हुए 75 ईयर हो गए हैं, लेकिन जय हिंद दोस्तों। दोस्तों पूरी दुनिया में हिंदू पावर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। यूरोप और अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जहां पर जो उनकी गवर्नमेंट है वो या तो मेन रूप से हिंदू धर्म को फॉलो करती है या फिर वो हिंदू धर्म से ही होती है। पाकिस्तान तभी आगे जाएगा जब हम अपनी गलतियों को जानेंगे। पाकिस्तान को देख के तकलीफ होती है, इंडिया को देख के खुशी होती है कि इंडिया ने माशाल्लाह एक तरक्की की है, अपने लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, हम लोगों ने सिर्फ पैसा इकट्ठे करने के चक्कर में रहे हैं, अपने महल बना, हमारे पास फिर पैसा भी नहीं रहा और फिर रहा भी कुछ नहीं यार, जलील भी हो रहे, ना बिजली ना पानी ना कुछ मिलता ही कुछ नहीं है, तो बस यही सारी बातें। इंडिया देख लो यार कहाँ से कहाँ चला गया, अभी रिसेंटली कल की बात थी कि इंडिया कुछ भी नहीं था। नाइनटीज की बात करें, नाइनटीज मतलब ये है कि अभी शायद आप 30 साल पुरानी 35 साल पुरानी बात करें तो हम हमारे मुकाबले पे था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 30-35 साल को हम कल की बात कहते हैं, 100 साल पुरानी बात को कहते हैं कि यार बहुत पुरानी बात है। 30-35 साल एक जनरेशन का होता है, तो उस अरसे में उन लोगों ने यार वाकई तरक्की की है, इस बात को मानो। वो ये नहीं कहते कि हम डेवलप हो चुके हैं, वो कहते हैं अभी तो हमने आगे जाना है, यानी इसका मतलब उनकी सोच बड़ी। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, इतना कुछ होने के बावजूद भी उनका बहुत बड़ा एंकर है, वो कह रहा था इंडिया आज भी जेरे तमीर है। उन्होंने फखर नहीं किया, वो प्राउड नहीं हो गए, उन्होंने कहा इंडिया आज भी जेरे तमीर है, यानी कि आज भी बन रहा है। वो तो उनके प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते हैं कि हमने आगे जाना है, अभी तो हमने ये सफर स्टार्ट किया है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। और हमने कौन सा सफर स्टार्ट किया और हम किस सफर, मैं बताता हूँ ना, हम तो ये लोग हैं और पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान की हालत देख के आपको भी तकलीफ होती है और हमें भी। ऐसी बिल्कुल ऐसी ही है। बेहतरी के लिए हम बात करते हैं कि अगर किसी के कोई एग्जांपल देता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छे हैं तो आप इनसे सीखो, तो ये एक अच्छी चीज़ है, चाहे आप एक दूसरे से भी लड़े भी हो। अगर हम नेबर कंट्री की कोई एग्जांपल देते हैं कि यार ये उन्होंने अच्छा काम किया है, तो इसका मतलब है कि हम भी वो अच्छा काम करें। बिल्कुल ऐसी है जी, अच्छी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से देख के ली जाती हैं, ताकि मतलब किसी न किसी चीज़ की एग्जाम्पल सेट करके या बेंच मार्क सेट करके तो उसको आगे उसके KPIs के एंड पे पहुंचना चाहिए, फायदा भी अपना और उसमें बिल्कुल मुल्क का भी फायदा होगा, दुनिया पाकिस्तान की लोगों का भी फायदा होगा। तो इस स्टेप नरेंद्र मोदी के स्टेप से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी सीखना चाहिए कि यार हमारा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कुछ कुछ चीज़ मिलती है तो एजुकेशन पर लगा देता है, तो हमें भी लगानी चाहिए। बिल्कुल जी, जो और इस चीज़ का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है भारत को, क्योंकि भारत ही इन सब का केंद्र बिंदु है, भारत ही वो जगह है जहाँ से हिंदू धर्म की शुरुआत हुई है, और यही कारण है कि दुनिया के जितने ज्यादा डेवलप देशों में जितने ज्यादा हिंदू प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बढ़ेंगे, इससे भारत का उतनी ही तेजी से विकास होगा, क्योंकि भले ही उस देश में मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन है वो किसी और धर्म को फॉलो करती हो, लेकिन वहाँ का अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हिंदू धर्म से होगा तो वो हमेशा हिंदू धर्म की ही बात करेगा, उनकी ही पूजा करेगा, और इससे जो हिंदू धर्म का पावर है वो पूरी दुनिया में फैलेगा। और इस चीज को देखने के बाद दुनिया भर के जो लोग हैं उनमें हिंदू धर्म को जानने के प्रति उत्सुकता होगी और वो भारत में आएंगे, जिससे भारत का टूरिज्म बढ़ेगा और भारत को कई और चीजों से फायदा होगा। और दुनिया के कई ऐसे लीडर्स हैं जो कि हिंदू धर्म को देखकर ही अपने फैसले लेते हैं, जिनमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का। ऋषि सुनक अपना हर फैसला उसी प्रकार से लेते हैं जिस प्रकार से हिंदू धर्म को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और हिंदू धर्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके। रिसेंटली आपने देखा होगा कि ऋषि सुनक ने पाकिस्तान की एक ऐसे इंसान पर बैन लगा दिया था जो कि वहां पर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाता था और उनको मारता पीटता था। और तो और ऋषि सुनक का कहना है कि वो पाकिस्तान को इस इंसान के खिलाफ दंडित भी करेंगे।
अब यहाँ पर मैं आपको एक जबरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ से आप ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो और अगर आप चाहो तो रेफर करके भी पैसा कमा सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है अपस्टॉक और अपस्टॉक एक जेन्युइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसमें रतन टाटा जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब सिंपली इसके लिए आपको करना ये है कि जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है वहां से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। देन इस ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इस पर अपना अकाउंट बनाना है एंड अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पर KYC कम्प्लीट कर लेनी है। जैसे ही आपकी KYC कंप्लीट होकर यहाँ पर आपका अकाउंट बन जाता है तो आप अगर चाहो तो यहाँ से ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आप यहाँ से रेफर करके भी पैसा कमा सकते हो। आप अपनी रेफर लिंक को अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स में शेयर कर सकते हो और जब वो अकाउंट बनाएंगे तो उनकी तरफ से आपको पैसे मिल जाएंगे। अपस्टॉक आपको एक अकाउंट बनवाने के लिए 300 रुपए देता है और ट्रेडिंग करवाने के लिए 200 रुपए देता है। और अगर कोई भी इंसान आपकी लिंक से सफलतापूर्वक ये दोनों काम कर लेता है तो आपको अपस्टॉक की तरफ से 500 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर मैं आपको कोई पैसे इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आप अपने ज्ञान और अपनी स्थिति के अनुसार ही करें। तो जब इंडियन ओरिजिन से ही मतलब हर कंट्री का ताल्लुक होगा लीडरशिप का, तो जब वो इंडिया के साथ बैठेंगे तो वो इंडिया की मफाद में ज़्यादा बात करेंगे बनिस्बत पाकिस्तान के। तो हमें इस बात से नहीं परेशान होना चाहिए, वो हमसे 5-6 गुना बड़ा भी है पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन हमसे 5-6 गुना बड़ा है, ठीक है। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी नो डाउट दुनिया में ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हमें अपनी स्किलफुल यूथ को स्किलफुल बनाना चाहिए, इनको एजुकेशनल वोकेशनल एजुकेशन की तरफ लेके जाएं, आप एक्सपोर्ट बेस्ड लोगों को लर्निंग दें, बच्चों को तालीम दें। आपने आबादी की बात की, पॉपुलेशन की आपने मेरे से बात की, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन हमसे भी कम है। अगर मैं आपसे बात करूं, इसराइल की बहुत कम तादाद है, ऑस्ट्रेलिया की तादाद कितनी कम है, बेतहाशा ऐसे ममालिक हैं जो तादाद में हमसे कम है। बहैसियत पाकिस्तानी हम भी 25 करोड़ की तादाद है, कोई बहुत कम तादाद में हम भी नहीं हैं। तो आपको नहीं लगता कि पॉपुलेशन मेजर फैक्टर नहीं है, मेन फैक्टर कोई और है जिसको हम देख के भी देखना नहीं चाह रहे? अभी हमारे सामने चाइना का मॉडल देख लें, ठीक है। चाइना के पास, हमारे पास भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, उनके पास भी है, उन्होंने इसको कैश किया है, हम इसको नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं। अब देखें हमारे पाकिस्तान के इस साल की ब्रेन ड्रेन को, इंडिया ने अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप किया हुआ है कि अब आप लॉजिक की बात, आप एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपको पता है पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑयल कंपनी है वो कौन सी है? नहीं मुझे नहीं पता। अरामको, अरामको ने जितनी सऊदीया में, अरामको ने एक साल के अंदर ऑयल की सेल्स की हैं, जो बड़ी हॉट चीज़ है, ठीक है, उससे ज़्यादा या तकरीबन उतनी ही सिर्फ इंडिया ने पूरी दुनिया में आईटी सर्विसेज दी हैं। ज़बरदस्त। और हमें ये कहा जाता है कि सऊदीया 40 ऑयल पे रहा है और वो उनका एक, इंडिया की एक जो सी आईटी इंडस्ट्री है, एक फील्ड है, उसने उतना बिजनेस। ये बताएं कि की ज़रूरत है एज ए पाकिस्तानी, हमें कोई सीखने की ज़रूरत है इंडियन से? यार इंडियन से सीखने की ज़रूरत तो बहुत कुछ है, अब इंसान अब जो उससे आपसे ऊपर है उससे सीख, बेहतर जो बेहतर है उससे सीखना चाहिए इंसान को, यही इंस्पिरेशन लेनी चाहिए उससे, ठीक है। और हमारा थोड़ा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ख़राब है, उसको अगर हम बेटर करते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं हम। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ज़हीन भी बहुत है पाकिस्तानी। हालांकि जब दुनिया भर में हिंदू धर्म इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।